यार दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम डेटा एनोटेशन का यूज़ करके सर्वर साइड वैलिडेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अपन क्लाइंट साइड वैलिडेशंस को इनेबल कर सकते हैं, या फिर बोलें कि जेक्वेरी को इनेबल करके और हम क्लाइंट साइड पर वैलिडेशंस को या वैल्यूज़ को, यूज़र वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए, जहाँ मैंने इसके बारे में डेटा एनोटेशन और वैलिडेशन के बारे में बताया हुआ है। उन वीडियोस का लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो एक जो चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि अगर आपको क्लाइंट साइड वैलिडेशंस लगाने हैं, तो उस कंडीशन में आपको कुछ फाइल्स जो हैं, या फिर बोलें कि कुछ पैकेजेस हैं, वो आपको अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करने पड़ेंगे। जिसके अंदर एक तो पैकेज है जेक्वेरी की फाइल का, एक है जेक्वेरी वैलिडेट फाइल का, और एक जेक्वेरी अनबूटस्ट्रैप का फाइल का भी आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। जैसे ही आप रेफरेंस देंगे लेआउट डॉट सी एस टी एम एल पेज के अंदर, तुरंत आपके क्लाइंट साइड वैलिडेशंस एक्टिव हो जाएंगे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं और कैसे देखते हैं किस तरीके से अपन रेफरेंस को दे सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था कि डेटा एनोटेशन का यूज करके वैलिडेशंस को लगाया था। ठीक है, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, और जब ये एग्जीक्यूशन होता है तो ये उस टाइम पर पेज को रिफ्रेश करता है, यानी कि वैलिडेट करने के लिए पेज को ये रिफ्रेश करेगा। चलिए देखते हैं अपन। मैं अगर सेव डेटा बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए पेज आपका रिफ्रेश होगा। देखेंगे कहाँ से, इस लोकेशन से देखेंगे आप पेज रिफ्रेश होता है या नहीं होता। पेज रिफ्रेश हुआ, उसके बाद ये एरर आए। लेकिन मैं अगर इनको क्लाइंट साइड पर ही देखना चाहता हूँ तो मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ वो क्या होगी वो अपन देखते हैं। यहाँ सबसे पहले तो ब्लॉक इसको स्टॉप कर लीजिए। यहाँ कुछ स्क्रिप्ट फाइल होती हैं आपकी, जिसमें आपको और स्क्रिप्ट फाइल को ऐड करना है, जिसमें आप ध्यान रखेंगे जेक्वेरी की कोई भी वर्जन होना चाहिए आपका, जो भी आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ में ले रहे हैं वो होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अपन एक न्यूगेट पैकेज मैनेजर के अंदर जाकर कुछ फाइलों को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एक तो हो गया जेक्वेरी अनबूटस्ट्रैप, ठीक है। इसमें आप देखें कि किस फाइल को आपको इंक्लूड करना है, जैसे जेक्वेरी वैलिडेशन। एक तो आप इस फाइल को इंक्लूड कर लीजिए। अभी मेरे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन मैं इसे वापस से अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप इसे अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जेक्वेरी वैलिडेशन की कुछ फाइलें आपकी यहाँ ऐड हो जाती हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो आप देखें यहाँ आगे फाइल जेक्वेरी वैलिडेट, जेक्वेरी वैलिडेट वी एस डॉक, ठीक है, ये आपकी कंप्रेस्ड फाइल है। इसके अलावा आपको एक फाइल और ऐड करनी पड़ेगी, वो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट जेक्वेरी अनबूटस्ट्रैप वैलिडेशन। ठीक है, ये भी मेरे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन मैं ऐसे अपडेट बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये इंस्टॉल हो जाएगी और कुछ और फाइलें यहाँ ऐड हो जाएंगी। देखिए ये आपकी फाइलें ऐड हो गई। अब आपको करना क्या है, जैसे हमारे पास अपना मेन पेज है, यानी कि एक मास्टर पेज है जिसे अपन लेआउट डॉट सी एस टी एम एल पेज बोलते हैं। इस पेज के अंदर आप उन फाइल्स के रेफरेंस को पास कर दीजिए जो आपने रिसेंटली ऐड की है। जैसे मैं एक तो जेक्वेरी की मेन फाइल को इंक्लूड करा देता हूँ, दूसरी मैं फाइल इंक्लूड कराऊंगा जेक्वेरी वैलिडेट की, ठीक है, और तीसरी फाइल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फाइल मुझे ऐड करानी पड़ेगी जेक्वेरी वैलिडेट अनबूटस्ट्रैप। ठीक है, अब आप इस प्रोग्राम को सिर्फ आपको रेफरेंसेस पास करने हैं, और फिर इस प्रोग्राम को जब आप रन कराएंगे तो आप देखें कि जो आप चाहते थे कि क्लाइंट साइड पर वैलिडेट करना, तो आप वो देख पाएंगे। ठीक है, पुराने जो प्रोजेक्ट्स ओपन है आपके उनको क्लोज कर देता हूँ, होम और इंडेक्स को ही ओपन करेगा। अब देखिए प्रोसेसिंग हुई या नहीं हुई वो आप इस लोकेशन पे जाके देख सकते हैं। तो मैं अगर सेव डेटा बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने बिना पेज को रिफ्रेश करे ये डेटा लेके आ गया। साथ के साथ आप कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे, आपके वैलिडेशन हैंड टू हैंड भी रिमूव होते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये आपका डेटा सबमिट हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि आपको सिर्फ स्क्रिप्ट फाइल के रेफरेंसेस पास कराने। क्यों? क्योंकि जब आप डेटा एनोटेशन का यूज करके अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हो तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स को यहाँ अटैच कर देता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके आ रहे हैं ईमेल के लिए आ रहा है क्लास फील्ड वैलिडेशन फील्ड, और ये जो या डेटा वेल, ये जो मार्कअप जनरेट हुआ है, ये मार्कअप सिर्फ जरूरी है किसके लिए, जेक्वेरी के लिए। तो जेक्वेरी ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग वर्क कर लेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं और भी वीडियोस आपके डालने वाला हूँ।